दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है मैं कमित अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग एक केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक 16 वर्षीय एक लड़का बेचारा छोटा सा बच्चा ही था अभी तो उसकी डेथ हो गई प्रोटीन पाउडर लेने से अब ये देखना दिस इज हाउ इट हैज बीन हाइप्ड कि प्रोटीन पाउडर से इसकी डेथ हो गई लेकिन आई रीड द न्यूज आइटम टू यू और उसमें से कुछ फाइनल डिटेल्स निकालेंगे क्योंकि आई नो ऑफ पीपल कंज्यूम प्रोटीन पाउडर ऑन रेगुलर बेसिस वो लाइक क्या भैया अब हम प्रोटीन पाउडर लेना बंद कर देंगे डेथ क्योंकि इससे कोई किसी की डेथ हो गई पहले तो ये जो प्रोटीन पाउडर था ये कोई इसमें कुछ मिलावट नहीं थी ठीक है ना ये कोई नकली था ना में गलत चीजें थी बात कुछ और है। जो फाइनल डिटेल्स है उसके लिए है ना आपका मित्र अनुराग तो हम आपके लिए ये आज पेशकश लेके आए लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो अगर आप में से किसी को पेट का इशू है घर पे किसी को टाइप टू डायबिटीज है फैटी लिवर बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस दिस इज नंबर टू फटल दिसम नॉट अ डॉक्टर हम यहाँ पे कुछ मेडिसिन से कुछ नहीं करते ऑल वी डू इज लाइक डायट ट्रेनिंग फास्टिंग लाइफ चेंजेस

ये क्या चीज है कैसे क्या होता है इससे आपको ये पूरा जो माजरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा देखो पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो नाइट्रोजन है वो कैसे मेटाबोलाइज होता है हमारी बॉडी में अब बोलो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट नाइट्रोजन होता है तो जो मेटेबोलिज्म होता है नाइट्रोजन का इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं पहला उसे बोलते हैं डी एमिनेशन तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी डी एमिनेशन होती है तो इसमें क्या होता है कि अमीनो ग्रुप का रिमूवल होता है जो कि नाइट्रोजन भी निकल जाता है इसके इसमें और इससे अमीनो एसिड्स एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो डी एमिनेशन प्रोसेस होता है प्राइमरी लीवर में होता है ठीक है पहला ये हो गया दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और ये इस पूरे प्रोसेस के लिए बड़ा जरूरी है जो अमीनो एसिड्स डी एमिनेशन प्रोसेस के दौरान निकलते हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो अमोनिया है इट्स लाइक हाईली टॉक्सिक और इसको किसी लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है अब अगला होता है यूरिया साइकिल यूरिया साइकिल वाला पार्ट है ये क्या करता है ये लिवर में होता है और ये अमोनिया का बॉडी में रिमूवल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है तो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर यूरिया बनाता है और यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक कंपाउंड है एज कम्पेयर टू अमोनिया और यूरिया फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनीज तक पहुंचता है और यूरिन के थ्रू में इसको एक्सक्रीट कर देते हैं फिर यूरिक एसिड और क्रेटेनाइन भी वो भी डेवलप होते हैं बड़े लोग क्रिटेन और क्रिटेनाइन को कन्फ्यूज करते हैं मत कीजिए तो फिर इस प्रोसेस के दौरान ये दोनों यूरिक एसिड और क्रिटेनाइन भी प्रोड्यूस होता है लेकिन कैसे होता है वो हमारे अभी डिस्कशन के स्कोप के बाहर है अब देखिए जो ये बैलेंस है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का ये बड़ा जरूरी है और जब इसमें डिस्टरप्शन होती है तब ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं ओटीसी जिसकी वजह से इस बच्चे की डेथ हुई अब बात करते हैं ओटीसी है क्या ओटीसी क्या करती है ये ओटीसी नाइट्रोजन का मेटाबोलिज्म करती है मोस्टली ये मेल्स को इफेक्ट करती है कुछ केसेस हो सकते हैं फीमेल्स भी, लेकिन मेजोरिटी जो है, ये का ही रहता है। और लेकिन है, जो होती है, ये एक ओटीसी जीन होता है उसकी म्यूटेशन की वजह से होता है और जो ओटीसी जीन होता है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम ऑर्थनाइन कार्बाइलेस ये बोलते है और ये जो एंजाइम है ये अमोनिया के ब्रेकडाउन और रिमूवल में बड़ा पार्ट प्ले करता है अब, आप समझ रहे होंगे? अब ये जब म्यूटेशन हुई तो ये एंजाइम नहीं नहीं है, जब एंजाइम नहीं है तो अमोनिया का बॉडी से निकलना और मुश्किल हो गया हमने बताया था यूरिया साइकिल में क्या होता है कि अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में क्योंकि अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक यूरिया थोड़ा कम होता है बॉडी से जल्दी इसको बाहर निकालना जरूरी रहता है तो अब उसके बाद क्या होगा उसके बाद ये होगा कि अमोनिया बॉडी में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और जब जा अमोनिया बॉडी में बढ़ता जाएगा तो ये कुछ भी कर सकता है तो अब देखिए मेन चीज क्या है यहाँ पे ये सिर्फ प्रोटीन शेक्स ने नहीं किया अगर ये जो, जो लड़का हमारा बच्चा था अगर ये सिर्फ एक हायर प्रोटीन डाइट पे भी जाता ना सेम चीज होती तो इट वॉज अबाउट द प्रोटीन शेक्स एज सच इट अबाउट प्रोटीन इन जनरल क्योंकि अगेन जब मेटाबॉलिज्म होना था अमोनिया बाहर निकलना नहीं था बॉडी में रह जाता तो वो पॉट होता जिन लोगों को भी ये चीज होती है ना उनको लाइफ लॉन्ग दे हैव टू रिमेन लाइक ऑन सुपर लो प्रोटीन डाइट मैं एक या दो बार ही काम कर चुका हूं ऐसे क्लाइंट्स के साथ जिनको पता था कि इनकी कंडीशन है क्योंकि ये काफी सारी बार इनहेरिटेड होती है और अगर जेनेटिक टेस्टिंग करो उससे ही exactly पता चलती है कहीं पर आपको करना है, कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ती है को बाहर निकालने के लिए manually, तो ये चीजें होती है तो नट सेल में क्या चीज है ऑल्दो एम नॉट अ बिग फैन ऑफ यूजिंग वे प्रोटीन ऑन रेगुलर बेसिस स्पेशली फ्लेवर्ड वाला नेक्स्ट के ऊपर आ रही है क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ ना कि स्वीटनेस अच्छी चीजें नहीं है तो भी बोल दिया लेकिन इज जो भी आप न्यूज पढ़ते हो अब देखो इसमें क्या था प्रोटीन शेक्स कॉज डेथ कितनी बड़ी चीज है नाव अट ऑफ पीपल वुड बी लाइक अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया इंडियन की कंट्री में जहां बड़े लोग वेजिटेरियंस हैं और अगर बच्चे एथलीट्स हैं बनना चाहते हैं तो प्रोटीन शेक्स बहुत जरूरी हो जाते हैं बेटर प्रोटीन शेक्स फॉर श्योर लेकिन अगर सिर्फ ये न्यूज पढ़ के विदाउट अंडरस्टैंडिंग टेक्निकलिटीज की चीज क्या हुई क्या नहीं हुई तो आई डोंट थिंक हम सही डिसीजन ले सकते हैं तो एक एक एक, एक बात और बोलना चाहूंगा अगर फॉर न्यू पेरेंट्स है कुछ अगर इफ यू हैव लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी या मतलब ठीक करते हो तो आई वुड से बच्चों कि ना इस टाइम पे आप जेनेरिक टेस्टिंग भी करवा लो देख लो एक ऑप्शन इंडिया में अभी पढ़ते जा रहे हैं काम है थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे जरूर होते हैं लेकिन अगर जेनेरिक टेस्टिंग हो ना तो इस टाइप की चीजें रुक सकती हैं कई बार रेयर है लेकिन व्हाई डू यू वांट टू टेक चांसेस rather than giving him a shiny new device i think generic testing should be done तो इस टाइप की केसेस रूल आउट हो सकते हैं तो ऑलस यू नेक्स्ट टाइम टिल देन